दोस्तों, क्या आपको पता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कब बनाया गया था? क्या आप ये जानते हैं इस दीवार को किसने पहली बार तोड़ा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चीन की विशाल दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ये दीवार सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार और दुनिया के सात अजूबों में से एक है। इसे समय समय पर विभिन्न चीनी शासकों ने चीन को बाहरी हमलों से रक्षा करने के लिए बनवाया था। इस दीवार को बनाने में कई साल लगे थे। आज मैं आपको इस दीवार के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताने जा रहा हूं, जिससे आप अभी तक अनजान होंगे। तो चलिए इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक समय लगा था। इस दीवार को लगभग 2300 साल से भी अधिक पुरानी दीवार माना जाता है। इस दीवार को चीनी सम्राट शी हुआंगा की कल्पना के बाद बनाया गया था। इस दीवार की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर से भी अधिक है। इंसानों द्वारा बनाई गई ये सबसे लंबी और बड़ी संरचना है। इस दीवार को वर्ष 1970 में आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। अब यहाँ हर साल हजारों सैलानी घूमने आते हैं। कहा जाता है कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 से 7 घुड़सवार सैनिक एक साथ गश्त लगाते थे। दीवार को बनाने में तकरीबन 20 लाख से अधिक मजदूर लगे थे। एक ऐसी भी कहावत है कि इन मजदूरों में से कई लाख मजदूरों को यहीं दफना दिया गया। चंगेज खान ने तोड़ी थी दीवार। इस दीवार को देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन मंगोल शासक चंगेज खान ने साल 1211 में इस दीवार को तोड़कर चीन पर हमला कर दिया था। मोटी और ऊंची दीवार होने के चलते मंगोलियों को इस दीवार को तोड़ने में कई दिन लग गए थे। चीन में इस दीवार को वान ली चैंग चेंगी के नाम से जानते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना निर्माण। कहा जाता है कि इस दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार को एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बनाया गया था। दीवार को यूनेस्को ने वर्ष 1887 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। समय के साथ इस दीवार के कई हिस्से आज नष्ट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।